दोस्तों, मैं हूं हर्ष। और सबसे पहला अपडेट जो आ रहा है वो आ रहा है करण ओजिला भाई की तरफ से। वहां पे करण ओजिला ने आज एक पोस्टर डाला था अपना इंस्टाग्राम पे, बैक द फक अप, उनकी जो न्यू एल्बम है उसका। और कैप्शन में लिखा हुआ था कि 10 कमेंट होने के बाद वो इसका टीजर डालेंगे, इंट्रो इंट्रो या टीजर कह लो। और कमेंट सेक्शन 5 लाख से ज्यादा कमेंट हो गई है। यहाँ पे करण ओजिला भाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, किसी भी एल्बम के ऊपर इतनी, एल्बम के पोस्टर के ऊपर इतनी ज्यादा कमेंट्स नहीं आई थी। यहाँ तक कि सिद्धू मूसे वाला का जो मूसे टेप एल्बम थी, उन्होंने उसका जो पोस्टर डाला था उस पे भी 50,000 कुछ कमेंट्स आई हुई थी, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो दोस्तों, इसे हम क्या समझे, करण ओजिला भाई का इतना प्यार है कि उन्होंने 10 कमेंट्स मांगी तो यहाँ पे 5 लाख कमेंट्स आ गई। कुछ मेरे दोस्तों ने कमेंट में ये कहा था कि जिसकी औकात जितनी होती है वो उतनी ही कमेंट करने के लिए कहता है। ये बात मेरे दिमाग में भी लगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि करण ओजिला के फैंस इतने भी बुरे हैं कि वो उनको इतना सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर वो 5 मिलियन कमेंट्स कहेंगे तो 5 मिलियन कमेंट्स हो जानी चाहिए, आई थिंक सो। बाकी दोस्तों, मैं करण ओजिला भाई से भी डिसअपॉइंट हूँ थोड़ा। शायद आप लोग भी, उनके फैंस हैं जो, वो भी सारे डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 10 कमेंट होने के बाद वो टीजर या इंट्रो डालेंगे उनकी एल्बम का, बैक द फकअप। लेकिन 10 क्या यार, इतना टाइम हो गया, काफ़ी ज़्यादा घंटे बीत चुके हैं और अभी तक टीज़र की कोई अपडेट नहीं है, ना तो उन्होंने कोई स्टोरी डाली, ना कोई टीज़र अपलोड हुआ है। आई एम सो डिसअपॉइंटेड यार। जबकि दोस्तों, जो करण ओजिला के नाम पे फेक चैनल्स हैं, बैक द फकअप के नाम से टीज़र और ट्रेलर और ये जो है सॉन्ग्स भी निकाल चुके हैं, लेकिन करण ओजिला भाई ने ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा और ना ही कोई टीजर या इंट्रो ड्रॉप किया। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है सिद्धू भाई की तरफ से। और यहाँ पे सिद्धू भाई ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, धीरे धीरे करके बताता हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज्यादा, बहुत खुशी हो रही है बताते हुए भी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूँ, ये वीडियो मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बनाता हूँ और नए नए अपडेट्स लाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पंखा भी बंद कर रखा है मैंने, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टा पे जाके फॉलो कर दो। तो दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला का जो मूसे टेप एल्बम थी उसका बिच आई एम बैक, जो कि कल रिलीज हुआ था ऑडियो ही, उस पे 10 मिलियन व्यूज आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ ऑडियो पे, और 8 लाख प्लस लाइक्स आ चुके हैं, 2,80,000 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं, और तो और 27 से ज्यादा देशों में ये गाना ट्रेंडिंग पे चल रहा है। देखा भाइयों, मतलब सिद्धू मूसेवाला की फैन फॉलोइंग अलग ही है भाई साहब, बिग सैल्यूट सिद्धू भाई। तो दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट भी सिद्धू भाई की तरफ से आ रही है। यहाँ पे सिद्धू भाई की 3 वीडियोज हैं जो ट्रेंडिंग में चल रही है, जो मूसे टेप का ऑफिशियल ट्रेलर है, उनका इंट्रो है और बिच आई एम बैक, तीनों गाने ट्रेंडिंग में। और जो फैंस की रिक्वेस्ट है वो ये है कि उन्होंने, सिद्धू मूसेवाला भाई ने एक इंस्टा पे रील डाली थी, यूट्यूब चैनल पे भी एक टीजर टाइप एक छोटी सी क्लिप डाली है अपने बिच आई एम बैक की वीडियो की, सॉन्ग की, उसको भी ट्रेंडिंग में लाने की उनकी साजिश है, देखते हैं क्या होगा आगे। और दोस्तों, आप यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप देख सकते हैं बिच आई एम बैक के वीडियो सॉन्ग की, यहाँ पे मैंने इसको म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट इशू हो सकता है। और तो और, यहाँ पे सिद्धू भाई के फैंस इंजॉय कर रहे हैं मूसे टेप का जो रिलीज हो चुका है, मतलब एक गाना यहाँ पे इंजॉय करते दिख रहे हैं। ये सिद्धू भाई ने खुद ही इंस्टा पे शेयर किया, काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं, उनके ही नाम पे केक बनवा रखा है। तो देखिए फैन फॉलोइंग ऑफ सिद्धू भाई की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मेरे को आपको काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स देने थे और आराम से देने थे, और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी नया आ रहा है भाई चैनल पे, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, इंस्टा पे भी फॉलो कर दो। आप लोगों की ही वजह से मैं वीडियोज़ बना पा रहा हूँ, आप लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हो और आगे भी ऐसे ही दिखाते रहना।